नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको पश्चिम मुखी साड़ी की दुकान शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मैं हर बार आपको जानकारी देता हूँ, आज फिर से साड़ी के शोरूम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो आपकी अपनी दुकान नहीं खोलने जा रहे हैं, रेनोवेट करने जा रहे हैं, या आपकी अपनी दुकान मेन मार्केट में होने के बावजूद भी अच्छी नहीं चल रही है, फुटफॉल अच्छा नहीं है, तो आप हर व्यक्ति, आप और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी अपनी दुकान बहुत अच्छी चले, मेरे यहाँ फुटफॉल पूरा हो। तो आपने अपनी दुकान में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो सीटिंग और सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने यहाँ करेंगे तो आपको भी रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट में, फ्रंट का एरिया नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना है, कहीं से टूटा फूटा नहीं हो, गड्ढे वाला नहीं हो, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें स्मूथ हो लेकिन स्लिपरी भी ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो आपके यहाँ फ्रंट में नाली बनी हुई है वो नाली क्लीन करा के ढकी हुई होनी चाहिए। इसी के साथ फ्रंट में शटर पर जो कलर आएगा वो आपका अपना कलर, वाइट कलर या सिल्वर कलर, दोनों में से कोई भी, वाइट या सिल्वर। मेन गेट आपने कहाँ बनाना है, जो गेट आप बनाएंगे वो गेट आपका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में गेट बनाना है। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ होते हुए कंप्लीट आपका अपना नॉर्थ वेस्ट तक डिस्प्ले आ जाएगी या हल्की स्टोरेज आ जाएगी। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक स्टोरेज आ जाएगी। ऐसे ही आपकी अपनी साउथ वॉल पर, साउथ, साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक स्टोरेज आ जाएगी। इसमें जो आपने गद्दी बनानी है, गद्दी आपकी अपनी ये आपकी गद्दी बनेगी। यहां पर आपका काउंटर बनेगा, ओनर यहां बैठेगा, और गद्दी पर ही बैठना चाहे तो गद्दी आप फ्रंट तक कंप्लीट गद्दी खींच सकते हैं। कस्टमर जो आपके यहां आएगा, कस्टमर की सीटिंग आपने यहां देनी है। कस्टमर आता है, वो कस्टमर आके यहाँ बैठ जाता है, आपका अपना स्टाफ गद्दी पर यहाँ बैठा हुआ है और वो पीसीज खोल के दिखा देता है कस्टमर को। हाँ, आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली, जो ज़रूरी है, आपने जो कस्टमर के बैठने की सीटिंग है वो आपकी अपनी सीटिंग कंप्लीट गद्दी के साइज से छोटी होनी चाहिए। छोटी का मतलब लंबाई में कम होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ एक बात और कहूँगा मैं आपको, आपके अपने जो रैक्स साउथ ईस्ट से साउथ वॉल पे जो कंप्लीट रैक लगे हुए हैं वो रैक कभी भी खाली नहीं हो और वजनदार भारी सामान से भरे हुए होने चाहिए। भारी सामान, जो आपके यहाँ कपड़ा थिक वाला भारी कपड़ा आता है, वजनदार कपड़ा आता है, उस कपड़े से, उन साड़ियों से ये रैक आपके ज़्यादा भरे हुए होने चाहिए। इसके साथ में जो कपड़ा आपके यहाँ हल्का आता है वो कपड़ा आपका नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक आपका कपड़ा आ जाए, या आपकी अपनी डिस्प्ले आपने बनानी है कुछ, तो वो आपकी अपनी डिस्प्ले नॉर्थ वॉल पे क्या करेंगे, नॉर्थ वॉल पे आपकी अपनी डिस्प्ले भी आ सकती है। वेस्ट में, वेस्ट से साउथ वेस्ट तक यहाँ ये तो आपकी अपनी डिस्प्ले आनी ही है, आपको अपनी डिस्प्ले बनानी ही है। ईस्ट वॉल पर भी आपकी अपनी हल्की स्टोरेज आ जाएगी। आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी दुकान जो है उस दुकान में फर्श की ढलान किधर होनी चाहिए। फर्श की ढलान साउथ से नॉर्थ की ओर होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में फर्श की ढलान के बारे में जरूर बताता हूँ। फर्श की ढलान आपकी अपनी किसी कारण से नहीं है
या आपने फर्श की ढलान नहीं कराई या गलत डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर आ रही है, तब भी आपकी अपनी दुकान में कस्टमर की मूवमेंट कम होगी। आपको कस्टमर की मूवमेंट कम होगी, माल सेल कम होगा, प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो कंपनी या दुकान आपकी अपनी कम चलेगी। आपको फर्श में ढलान जरूरत है नहीं है। इसी के साथ जो कस्टमर यहाँ बैठेगा, कस्टमर की जो सेटी लगी है उस पर स्काई ब्लू कलर या ब्लू कलर का ही कपड़ा आना है गद्दी के ऊपर। किस पे? कस्टमर की सेटी के ऊपर जो गद्दी लगेगी उसके ऊपर जो कपड़ा आना है वो ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर आना है। जो आपकी अपनी गद्दी है उसके ऊपर तो वाइट कलर की चांदनी आनी ही है। इसी के साथ आपने अपना जो मंदिर बनाना है वो मंदिर आपका अपना ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में बनाना है। पीने का पानी जो आपने रखना है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में पीने का पानी रखना है। ओनर को साउथ वेस्ट में ही बैठना है, चाहे वो अपनी गद्दी के ऊपर बैठे पूरी पे, चाहे वो अपना काउंटर बना के काउंटर पर बैठे। ओनर का मतलब ओनर बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके यहाँ ओनर नहीं बैठता है, सर स्टाफ बैठता है, तो बिलिंग वाला व्यक्ति साउथ वेस्ट में ही बैठेगा। आपके यहाँ से सुबह से शाम तक में 2 पीस बिकते हैं, 10 पीस बिकते हैं, 5 पीस बिकते हैं या 20 पीस बिकते हैं, 20 साड़ियाँ बिकते हैं, तो आपके यहाँ से वो साड़ियाँ जो पहली बिकी, पहला कस्टमर आया 2 साड़ी लेके जाता है, 4 साड़ी लेके जाता है, वो आपका अपना साउथ जोन से साड़ियाँ निकल गई, तो आपने उसमें स्पेशली किस चीज़ का ध्यान रखना है? नॉर्थ में से सामान यदि आपने डिस्प्ले नहीं स्टोरेज की हुई है तो नॉर्थ में से 4 साड़ियाँ निकालेंगे, वो 4 साड़ियाँ आपने साउथ में शिफ्ट कर देनी है। आपको लगता है 2 साड़ी साउथ में से निकली हैं, 1 साड़ी ईस्ट में से, 1 साड़ी नॉर्थ में से, तब भी आपने 2 साड़ी नॉर्थ में से निकालनी है और साउथ में शिफ्ट कर देनी है। यदि आप रूटीन में ऐसा करते रहेंगे तो आपके यहाँ कस्टमर आता ही रहेगा, लाइन लगी रहेगी। इसी के साथ जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके यहाँ कपड़े का काम है, साड़ी का काम है, साड़ी के काम में मेन खेल, मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो लाइट का होता है। जब तक कपड़े पर लाइट का फोकस अच्छा नहीं होगा कस्टमर को कपड़े के अंदर खिलावट नहीं दिखेगी, क्योंकि कपड़े की खिलावट अच्छी रोशनी से ही आती है। अच्छी रोशनी की परिभाषा यह है कि ज़्यादा रोशनी। तो आपने अपनी पूरी दुकान में, पूरे शोरूम में जब कस्टमर आता है, कस्टमर को दिखाते हैं तो लाइट्स पूरी होनी चाहिए, लाइट्स कम नहीं हो। हाँ, एक स्पेशल जो लाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके यहाँ कस्टमर कम आता है तो आप इस फोकस को, इस लाइट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम नहीं है तो यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे उससे भी आपके यहाँ कस्टमर खिंचा चला आएगा। कहाँ पे लगानी है वो लाइट? वो आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट से ईस्ट की ओर और साउथ की ओर, इस जोन में आपने 1 लाइट 2 लाइट या 3 लाइट यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रैक लगे, रैक के अंदर तो लाइट लगेगी नहीं, रैक से बाहर ही लाइट आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ लाइट आ जाएगी या यहाँ आ जाएगी या आपकी यहाँ आ जाएगी। ये तीनों लाइट भी हो जाएं या कोई सी 2 हो जाएं, ये 2 हो जाएं या ये 2 हो जाएं, तो ये लाइट आपकी सुबह से शाम तक, सुबह दुकान खोलने से लेकर शाम को मंगल करने तक ये तीनों ही लाइट आपकी जलनी चाहिए, और इनका फोकस स्टेट नीचे फर्श पर नहीं, इनका फोकस स्लाइटली गेट की ओर रहे, तो आपके अपने यहाँ पर कस्टमर की अच्छी मूवमेंट बनती चली जाएगी, आपके यहाँ सेल होती चली जाएगी। जिन दुकानदार भाइयों के यहाँ लाइट तो लगी है लेकिन उसका सिर्फ इस्तेमाल जब कस्टमर आता है तभी किया जाता है, तो मेरा अपना ये मानना है उनके यहाँ सेल कन्फर्म है कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि ये लाइट सुबह से शाम तक जलती है। आपके यहाँ आने वाला कस्टमर जो रेट, जो प्राइस आप कोट करते हैं उसी रेट पर कस्टमर माल ले जाना पसंद करेगा, कस्टमर रेट कम कराना पसंद नहीं करेगा। क्या करने पर? जिनके यहाँ साउथ ईस्ट में लाइट जलती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप भी अपने यहाँ
ऐसा करके देखिए, आपको भी अच्छा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।